और आज नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर बातचीत करने के लिए हम जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो असल बात यह है कि हम जिस वक्त में ये बातचीत कर रहे हैं, हमारे आसपास इस मुल्क के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर बुलडोजर चल रहा हो, नौजवानों के हाथ में त्रिशूल और तलवार बांट करके एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं, इस वर्तमान के खिलाफ हम कलम और किताब की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगता है ये इस गोष्ठी और इस बातचीत का उन्वान है और यहाँ इसलिए यह बात पूरे मुकम्मल तौर पर कही जानी चाहिए कि यहाँ से हम लेकर क्या जाएंगे, हम कैसे त्रिशूल और तलवार के सामने कलम और किताब की लड़ाई लड़ते हुए और उन्हें जीतते हुए देख पाएंगे। मेरे हाथ में एक दस्तावेज है और मैं जब आया तो प्रोफेसर पूर्वानंद बोल रहे थे और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उसी को जोड़ करके अपनी बात कह रहा हूँ कि इस दस्तावेज में या इसके पहले मैंने भी बहुत विस्तार में इस पर लिखा और वीडियोज भी बनाई जो लाखों लोगों ने देखी कि नई शिक्षा नीति का जो दस्तावेज था उस दस्तावेज में क्या क्या है, उसमें जितनी भी लूप होल्स हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं वो इस दस्तावेज में भी लिखी और पब्लिक डोमेन में भी। हमें इसकी बातचीत को, इन शब्दावलियों को कैसे आसान भाषा में जनता तक ले जाना है इस पर बात करनी चाहिए। मसलन जब मैं एक बात देखता हूं कि हम कहते हैं कि शिक्षा बिक गई, पूरी नई शिक्षा नीति शिक्षा को बेचे जाने का एक दस्तावेज है, तो इसे समझाना पड़ेगा कि कैसे, यानी और वो भी उस वक्त समझाना है जिस वक्त में बुद्धिजीवी होना गाली बनाया जा चुका है, विश्वविद्यालयों पर हमले बदस्तूर जारी है। मैं जिस विश्वविद्यालय से हूं, हालांकि मैं अभी एडहॉक प्रोफेसर हूं, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में 10,000 में से तकरीबन 5,000 मेरे जैसे एडहॉक प्रोफेसर हैं। बाहर लोग नहीं जानते कि हम एडहॉक मतलब क्या, तो हम उन्हें बताते हैं कि हम 4 महीने के रिचार्ज कूपन पर पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। दावा विश्व गुरु का और गुरुओं की हालत ऐसी है। और नई शिक्षा नीति लागू होने से सीधा काम यह होने वाला है, 40% कोर्स तो स्वयं ऐप पर जाएगा, ऑनलाइन जाएगा, वर्कलोड जो बना है 5+1 का वो 3+1 हो गया। ये मैं दिल्ली के लोगों के लिए बता रहा हूं, बाकी जगहों पर वर्कलोड कैलकुलेट ही नहीं होते ढंग से। और जो 4-5 हजार शिक्षक पढ़ा रहे थे, जो लगातार लड़ रहे थे कि हमें स्थायी किया जाए, उनमें से 70-75% लोग बाहर हो जाएंगे। और ये वो लोग हैं जो जिनमें से बहुत बड़ी तादाद इस मुल्क के दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों से निकले हुए पहली पीढ़ी के प्रोफेसर हैं, क्योंकि 97 में रिजर्वेशन आया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का हायर एजुकेशन में, 2006 में आया जो कोर्ट के बाद 2007 में इम्प्लीमेंट हुआ ओबीसी का रिजर्वेशन, उसके बाद से ढंग से स्थायी नियुक्तियां हुई नहीं। और मैंने जब आरटीआई लगाई 1 जनवरी 2020 में, तो ये पाया कि 97% पोस्ट जो प्रोफेसर की है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी की, उसमें वो वैकेंट है, उस पर कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर पर हुआ है। इसका मतलब क्या है? एक देश जिसे असल में एक मुकम्मल मुल्क बनना था 1950 के बाद, तो उसका भरोसा आपने अपने लोगों को यह दिया था कि जब हमारे लोगों का शासन होगा तो हम सबको वो हक देंगे जो उन्हें नहीं मिला था। इस मुल्क की बहुत बड़ी आबादी को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला था। तो जो एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया थी उनमें से सबसे महती जिम्मेदारी इस मुल्क के विश्वविद्यालयों पर थी, जो समावेशी होते और वो विश्वविद्यालय समाज के सामने एक नजीर पेश करते कि
जैसे एक विश्वविद्यालय एक कक्षा समावेशी हमने बनाई, वैसे ही एक राष्ट्र एक समाज भी समावेशी बनाना है। मगर अफसोस कि इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के 80-82 प्रिंसिपल हैं कॉलेजेस के, और आप पता लगाइए उनमें कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, उन लोगों के घरों के प्रोफेसर्स कितने हैं। हमने अपनी कक्षाओं को भी समावेशी नहीं बनाया, हमने अपना स्टाफ रूम समावेशी नहीं बनाया, इसीलिए क्योंकि हम चाहते ही नहीं थे कि वो लोग, हमारी मंशा ठीक नहीं थी। और ये केवल इस सरकार की मंशा पर सवाल मैं नहीं उठा रहा, 1990 के बाद जब से नियो लिबरल पॉलिसीज आई हैं, उसके बाद से शिक्षा के बेचे जाने के थोड़े थोड़े कैप्सूल इस देश में दिए गए। वर्तमान सरकार उन्हीं कामों को, उन्हीं नीतियों को निर्लज्जता से, अनैतिकता से और बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं। ये मेरा कहना है। अब इसका क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं, क्योंकि स्कूलों के खोले जाने का यह दस्तावेज कहता है पहली सरकारों ने कुछ एक अच्छे काम किए, राइट टू एजुकेशन, और उनमें भी मुझे याद आता है संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी, सोशल जस्टिस कमेटी बनाई गई थी, मधु दंडवते उसमें थे, रामविलास पासवान थे, तमाम लोग थे, उन्होंने जो अपना रिकमेंडेशन दिया था उनमें राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, ये सारी चीज़ें लागू करने की बात कही गई थी जो लागू हुई 2006-07 में। यानी स्टेट की जिम्मेदारी है कि किसी की जेब में पैसा है कि नहीं, कौन सा व्यक्ति किस जाति से आता है, किस क्षेत्र से आता है, किस भाषा का बोलने वाला, इससे न तय हो कि उसकी तालीम कहां तक जाएगी, वो किन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करेगा या करेगी। राज्य अपनी जिम्मेदारी बाकायदा पीछे खींच चुका है, मुझे लगता है कि इस पूरे दस्तावेज ने यह घोषणा की है। राज्य अब जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, गोरखपुर के सर बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश जहां रामराज दोबारा आया है, उस प्रदेश में मेरे अपने जिले में पहले 6 सरकारी डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, जिन 6 में जो सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है, आज के तारीख में उसके 12 विभागों में से 9 विभाग ऐसे हैं जिसमें एक भी परमानेंट प्रोफेसर नहीं है, वहां ठेके पर लोग रखे गए। और उसी जिले में 126 प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोल दिए गए हैं जो उस इलाके के किसी ठेकेदार के हैं, किसी नेता के हैं, और उनका सीधा संबंध सरकार में बैठे लोगों से होता है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, स्कूलों में भी यही हुआ, और ये दस्तावेज कहता है जहां 3,000 से कम विद्यार्थी होंगे उन स्कूलों को भी वो बंद करेंगे, 45,000 डिग्री कॉलेज को कम करके 20 साल में 15,000 ले आएंगे। यानी कहां तो नए कॉलेज, नए विश्वविद्यालय खोले जाने थे, आप जो खुले हैं उन्हें बंद कर रहे हैं, और नहीं तो मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। ये मुश्किल हमारे सामने है। ये सारा विमर्श जो वर्तमान में सफल हो रहा है, कामयाब हो रहा है, इसके पीछे वजह यह है कि हमने शिक्षा बर्बाद कर दी। इसलिए तार्किक विवेक वाला नागरिक पैदा नहीं किया हमने। तो उस राज्य में क्या हो रहा है, मेरे राज्य में अगर मेरे पास नेट की डिग्री है तो मैं 3 कॉलेजेस में बात कर लूं, वहां अपनी डिग्री, अपने सारे दस्तावेज रख दूं, मुझे पढ़ाना कहीं नहीं जाना है, वो सारा जो सैलरी आएगी आधे से ज्यादा मैनेजमेंट लेगा और थोड़ी थोड़ी सैलरी आपके पास आएगी। पिछले दिनों एक शिक्षक सस्पेंड हुआ, 23 कॉलेज में पढ़ाता था। हमने शिक्षा को यहां पहुंचाया है, आंगनबाड़ी से लेकर के प्राइमरी स्कूल के मास्टर जो उत्तर प्रदेश में है वो पढ़ाने के अलावा सारे सरकारी काम करते हैं, क्योंकि उनसे सरकार ये काम करवा रही है। और नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसके पहले एक सरकारी फरमान आया कि अब जहां सरप्लस टीचर है वो किसी दूसरे स्कूल में भेजे जाएंगे। यानी अगर एक कॉलेज में, एक स्कूल में ज्यादा लोग हैं तो उन्हें दूसरी जगह पर भेजेंगे। वही काम विश्वविद्यालयों में भी हो रहा है, और धीरे धीरे ये शिक्षा नीति जिस दिशा में हमें ले जा रही है, दावा भले विश्व गुरु का हो लेकिन एक अपढ़ उपढ़ भीड़ के रूप में हम नागरिकों को तैयार करना चाहते हैं जिनमें कोई तार्किक विवेक न हो, कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण न हो, और सांप्रदायिकता हो, जातिवाद हो, तमाम तरह के लोग इन चीज़ों की राजनीति को कामयाबी से कर सकें, इसलिए उनकी मंशा ये नहीं है। हमारे सामने चुनौती ये है कि हमारी भाषा रूढ़ हो चुकी है, हमें इन दस्तावेजों को आसान भाषा में लोगों तक ले जाने की कोशिश करनी होगी, और वह कोशिश मुझे लगता है कि वर्तमान के सवालों से जूझते हुए करनी होगी। कैसे हमने एकेडमिया का कम्युनलाइजेशन देखा और सांप्रदायिक जातिवादी
जो चीज़ें हैं समाज में वो हमारे एकेडमिया में आ चुकी हैं, इसलिए दिखती हैं वो। और हमारी जो बहस है, जितना कठिन यह दस्तावेज है उससे ज़्यादा कठिन कहीं हम लोगों का विमर्श ना हो जाए, ताकि हम जनता से दूर हो जाएं। मुझे लगता है कि बहुत कम समय में ये बात कहने का मौका आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।